कहते कि मनखे ह गुणवान होते, सबके अलग पहचान होते, लेकिन जो हा अपन संग सब्बो ला साथ लेके चलते उही कलाकार हा महान होते। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ दामनी बंजारे और आप सब्बो जन के हमर खास कार्यक्रम बोली ठोली मा स्वागत है, जेमा हमन अपन ला हर अलग अलग एपिसोड मा अलग अलग कलाकार मन से अलग अलग हस्ती मन से मिलाथन। त ए बेरा हमन मन साथ हवे मनोज वर्मा जी हा, तेकरे से जानथन ओकर परिचय हमन ला बताए के जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब्बो जन ओकर से परिचित हो। तब ओकरे से जानथन कि ओकर पिक्चर ला के कहानी और कैसे ओकर जिंदगी के पूरा सफर रही से ये जिंदगी मा ओला लेके बात करबो। जय जोहार सर। सर बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपको मन के स्वागत है। पहली सवाल आपसे ये हरे कि जैसे कि आपके तो नाम बहुत ही ज़्यादा बन गए है, भूलन दमेज हो चाहे बाकी सब वो पिक्चर ला लेके हो, एक शुरुआत आप मन कैसे करें, मतलब एक फिल्म इंडस्ट्री में आप कैसे आए, पिक्चर के जो फिल्म के दुनिया है तेम कैसे कदम रखे रहे हो? मोर यहाँ वैसे देखबे ना तो जतका घर के दूसर सदस्य मन है सब डॉक्टर परिवार से हरों में, बड़े भाई डॉक्टर है, बच्चों के अस्पताल है, भतीजा डॉक्टर है, वो बच्चों के डॉक्टर है, एक और भतीजा वो है, भतीजी मन सब जतका नाना जी रही से मोर पिताजी रही से सब डॉक्टर रही ने। मैं अकेला कह लो कि मैं अकेला आदमी हूँ घर के जिन कॉमर्स ले हुई, बाकी सब साइंस वाले रहे। तो वहाँ जब मैं दुर्गा कॉलेज में पढ़ाते रहे हूँ, बी कॉम करते रहे हूँ, तो वहाँ पर बहुत स्टेज उस्टेज करते रहे हमन, तो शौक रही से, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोच रहे हूँ कि मैं फिल्म लाइन में जाऊँ। खबर कि घर से कभी ये बात की अनुमति नहीं रही से, हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई ला पहले महत्व देते रहें, तो पढ़ाई लिखाई बहुत करें, बहुत PSC की भी तैयारी करें, मैं सब कुछ करें, लेकिन जहाँ भाग्य आप ले जाए के पहले ले सब तय करके रखे रहे थे ना, तो वहाँ आप कैसनों करके पहुँचे जाते हो। तो PSC के मोर तैयारी रही, जिन साल बहुत तगड़ा तैयारी रही से वो साल एडमिशन कार्ड नहीं आई, मैं बोला हटा भाई अब छोड़ हटा। तो फिर बड़े भाई जिन है वो बोलीस कि मैं नर्सिंग होम चालू कर रहता हूँ, तो वहाँ से मेडिकल स्टोर चालू कर, तो मैं मेडिकल स्टोर में बैठे हूँ। अब मेडिकल स्टोर में बैठे के बाद में मैं पहले संगीत में शास्त्रीय संगीत सीखे रहे हूँ, तो वहाँ आकाशवाणी दूरदर्शन के ऑडिशन दे हूँ, ऑडिशन पास हुए हूँ, तो 93 से मैं आकाशवाणी से गात रहे हूँ, मतलब बी ग्रेड आर्टिस्ट रहे हूँ, वहाँ से गात रहे हूँ। तो एक इंटरेस्ट तो ये फील्ड में रही शुरू से। फिल्म लाइन में आए के मोर को ऐसे कभी सोचे भी नहीं रहे हूँ कि डायरेक्शन करूँ ये करूँ, लेकिन जब स्टूडियो चालू करे हूँ मैं 2002 में एंड में दिसंबर रही से जनवरी 2003, तो वो टाइम पे यहाँ पे 2-3 फिल्म बन चुके रही से, सतीश जैन जी आ चुके रही से, प्रेम चंद्राकर जी काम करत रही ने, और ये मन सब ना छत्तीसगढ़ के बाहर सब पोस्ट प्रोडक्शन करत रहे। तो यहाँ मैं जब स्टूडियो चालू करे तो मुला ऐसे लगी कि जब ऑडियो के काम यहाँ हुआ थे तो वीडियो के काम भी पूरा पोस्ट प्रोडक्शन यहाँ काबर नहीं करते हैं, या कोई दूसरा आदमी काबर नहीं चालू करे थे, करना चाहिए मोर हिसाब से कि भाई छत्तीसगढ़ के जिन काम है तो छत्तीसगढ़ में हुए तो वो ज़्यादा अच्छा रही। वो चीज़ ला प्रूव करे बर हमने एक ठन पिक्चर बनाया जिसका नाम रीज बैर। जब बैर शूट हो गए सब हो गए, पूरा पोस्ट प्रोडक्शन यहाँ रायपुर में हो गए, ओकर बाद उला टाकीज में लगाएं हम। तो महासमुंद टाकीज से फोन आई मोर कि आज सतीश जैन जी आपके पिक्चर देखे बर आए रही ने, तो आप एकर से एक बार भैया से बात करो। भैया फोन लगाया, मैं बोला भैया वो आप मनोज वर्मा बोला थो, वो आप आज मोर पिक्चर देखे पर वहाँ गए रहे हो महासमुंद, तो कैसे लगी? तो बहुत बढ़िया पिक्चर बनाया है भाई, बहुत सुंदर है, एक नंबर बने हैं, ये है वो है। बोला आपका सुंदर पिक्चर बने चलत काबर नहीं है कि? तो बोली कि अब चुप हो गए थोड़ा देर। मैं बोला भैया अच्छा अच्छा सुने पर फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, मैं असल में जानना चाहता हूँ कि वो पिक्चर में गड़बड़ी कहाँ है जेखर पाग नहीं चला थे पिक्चर। तो थोड़ा देर रुकी, फिर बोली भाई ऐसे है कि मोला जतका आदमी फ़ोन करते तो तारीफ सुने पर फ़ोन करते, तो पहला आदमी है जब अपन गलती पूछा था। तो मैं बोला हाँ भैया मैं गलती जाने वाला आपका फ़ोन लगाया। बोला नहीं मालूम है, मैं तो आपसे परिचित भी नहीं हूँ, मैं मिले भी नहीं हूँ कभी। तो बोली यार तो पिक्चर ना पिक्चर जैसी नहीं है। तो बोला पहले तो यही समझ में नहीं आया पिक्चर पिक्चर जैसे कैसे होते। तो मैं सुनाते रहूँ पहले तो थोड़ी देर बैठ के, वो बताई इसकी भाई पिक्चर के एक लाइन लेंथ होते, एक प्रॉपर स्क्रीन प्ले होते, कैसे करना है, क्या कौन सीन के बाद का ही कैसे हुई क्या हुई, हीरो के हीरोइज्म होते, हीरोइन ऐसे होना चाहिए, ये ऐसा ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ बताई। सो मैं बोला छोड़ यार हटा, कहाँ ये सब झंझट में पढ़ूँ। मैं बोला हाँ भैया ठीक है करके मैं।
फिर दो चार दिन बाद भैया इस यहाँ पे बोले कि यार वो फॉर्मेट में जिन पिक्चर बनाया है तो वही फॉर्मेट में मैं पिक्चर बनाना चाहता हूँ तो बनाऊँ और यहीं से एडिट करूँ। तो मैं जिन उद्देश्य ले कर चले रहे हूँ कि ये फिल्म बनाए के बाद कम से कम पोस्ट प्रोडक्शन के जितका काम है वो छत्तीसगढ़ में हो, वो चीज़ पहली मतलब सतीश भैया जनरी से वो मयाला वो टाइम शूट करी। शूट करे के बाद में मैं बोला एडिट करें यहाँ, मैं और सतीश भैया बैठे नहीं यहाँ पे, तो बहुत सारे चीज़ एडिट के समय मुला सीखे ले मिली, कैसे लिखना है क्या करना है, बहुत गाइड करी मुला भैया सतीश भैया। तब फिर ये महू दीवाना तहू दीवानी जन फिल्म है वो बनाया हूँ। अब वो फिर वो अच्छी सुपर टूपर हिट हुई कई जगह पर, 50 डेज करी, तो वहाँ से फिर समझ लो आपकी फिल्मी दुनिया में एंट्री हुए। ये पिक्चर जब आप मन बनात रहे हो तो अनु शर्मा जी है मतलब आप उन किरदार में रखत रहे हो तो उन्होंने ये बात बोले से एक पिक्चर में कि आपके भैया पिक्चर कुछ हो रहा है लेकिन पिक्चर सुपर डिपर हिट है, वो पिक्चर ही पढ़ के मतलब स्क्रिप्ट ही पढ़ के तो आप ऐसे कौन से कलाकार ला मानते हो कि आपके पिक्चर में या कोनो भी पिक्चर में छत्तीसगढ़ी के पिक्चर में वो परफेक्ट है सारा चीज़ बरो है? देखो सारा चीज़ कोई एक एक्टर में होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऐसा कोनो ला आप नहीं बोल सको, कोई डायरेक्टर ला आप नहीं बोल सको कि हर प्रकार के पिक्चर ये बना ली। वैसे कोई एक्टर ऐसे नहीं है अभी जिला कुछ भी काम बोलो वो पूरा कर ली, ऐसे नहीं है, ऐसा हो नहीं सके। हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी होते और हर आदमी कुछ ना कुछ चीज़ में बहुत परफेक्ट होते, तो आप ला ये चाहिए कि जिस चीज़ में वो परफेक्ट है वैसे वाले रोल वाला दो आप तो पिक्चर हिट है। आप सर जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ी फिल्म ला लेके फिल्म में हमेशा ये बात की जाती है कि छत्तीसगढ़िया फिल्म है उतना मतलब हिट नहीं हो है, उतना मतलब रंग नहीं लाए, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के कई ठन ऐसे फिल्म में जेकर अलग पहचान है चाहे मयक होए चाहे छैया भुयक होए, आप है ये छत्तीसगढ़ी फिल्म में ला लेके का सोचता हो का नज़रिया आप? नहीं असल में कहा है ना हमारे यहाँ पे जैसे जैसे भारत है तो अलग अलग भाषा अलग अलग बोली के आदमी मन रहते हैं वहाँ, वैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ खाली छत्तीसगढ़िया आदमी नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है सब बाहर से इधर उधर से आए हुए लोग हैं, तो होते ये कि जहाँ हमार छत्तीसगढ़िया आदमी बसते हैं गांव में वहाँ टाकीज नहीं है, और जहाँ पे फिल्म लगते वहाँ छत्तीसगढ़िया आदमी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़े विडम्बना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई ना तो शुरू होए के बाद से लेकर के अभी तक सब्जेक्ट ला लेकर के सब परेशान हैं कि क्या सब्जेक्ट पे ऐसे पिक्चर बने जिन हर आदमी ला पसंद आए। तो कमर्शियल एक ऐसे फिल्म होते जिन आम तौर पे हर आदमी पसंद करते, अब उकर साथ में अगर आप छत्तीसगढ़ी जिन हमार संस्कृति है हमार जिन ऐसे चीज़ जिन आदमी के एकदम अंतस ले जुड़े हुए हैं ऐसे चीज़ ला आप जब दिखाते हो तो वो फिर वहाँ आप कहीं ना कहीं जा करके कनेक्ट हो जाते हो। तो वो चीज़ अभी चाहिए हमन ला कि अब जैसे मैं काली देखा रहा हूँ झन भूलो माँ बाप ला, अतका सुघर पिक्चर बनाया है सतीश भैया, मतलब मैं कोई शब्द नहीं मिला था इसमें, भैया अत्यक सुंदर आप पिक्चर पहले बनाए हो, और बाद देखो आप हजन पगली कौन बोलते हैं कि पिक्चर नहीं चलते, मतलब वहाँ खड़े होए के जगह निरी से शाम टाकिस के बाहर अंदर के बात छोड़ दो आप, अब ये सिर्फ शाम टाकीज की बात नहीं है हर टाकीज में ऐसे बात ऐसे हालत रही से, तो ऐसे नहीं है कि पिक्चर नहीं चले, पिक्चर के कंटेंट और मोला ऐसे लगते हैं कि मतलब पब्लिक हर प्रकार के दर्शक पर जब बन ही ना तो वो चलबेज कर ही। सर जैसे कि अभी आप मन भी बोले हो कि संगीत और वैसे सीन जब तक नहीं आई तब तक कुछ मतलब इंसान ला यही उम्मीद रहते जितना मनखे मन है ते मतलब सब जन यही चाहिए रहते, तुम्हारा ला का लगते कि जैसे तुम्हारे एडिटिंग भी करे हो तो ये एडिटिंग के दौरान में तुम्हारा का लगे कि संगीत जो रहते जो गीत रहते वो कितना महत्व रखते एक ठन फिल्म में? संगीत जैन है ना हमारे यहाँ मतलब अभी के नहीं है, ये आप जब लड़का पैदा होते हैं ना वहाँ ले संगीत शुरू हो जाते हैं, जन्म संस्कार गीत हमारे यहाँ मतलब आप देखो तो छत्तीसगढ़ी का हिंदी में भी आप देख लो तो हर जगह सोहर गाए जाते हैं नहीं, वहाँ ले लेकर के शादी ब्याह तक विवाह संबंधी गीत आपके हर जतका 30 त्यौहार है सबके गीत हैं, तो आप कैसे सोच सकते हो कि फिल्म जैन है वो बिना गीत संगीत के हो जाए? तो हर आदमी मतलब पहले ऐसे रहीस कि अगर आपके गीत संगीत हिट है तो आपकी पिक्चर हिट है।
हिंदी में ऐसे अतका पिक्चर बने हैं जेकर गीत पहली हिट हो गए ओकर बाद में पिक्चर तो कहाँ कहाँ चल दे जेकर कोई मतलब हाँ कोई था नहीं पा सके। तो वैसे छत्तीसगढ़ी में है मीठ मीठ लागे मया के बानी, वो गाना मिलियंस व्यू चले गए मतलब रिलीज के पहली, तो वहाँ ले जो पिक्चर उठी तो फिर आग लगा दी बिल्कुल पूरा स्टेज में जा करके नाचत रही आदमी मन। तो मोर कहे के मतलब ये है कि संगीत जेन है ना हमारे यहाँ बचपन से हमन खाए पिए के साथ खवाथन उला, अब वो चीज़ कहीं मिस हो गए वहाँ टाकीज में तो फिर खेल खत्म है। सर जैसे आप मन हाँ एडिटिंग के साथ साथ कई ठन ऐसे गाना जैसे आप मन भी गाए भूलन द मेज में कई ठे गाना गाए हो, तुम्हार ला मतलब जैसे गाना जो मन गाते वो एक सिंगर में जैसे एक एडिटर के तौर पे और एक तुहार नज़रिया से का लगते कि का ओकर में होना चाहिए, का गुण ओकर में होना चाहिए कि वो अच्छा गाना लिखे या तो फिर गावे अच्छा। अब जैसे बहुत एकन वॉइस आप ला मिली जिन हर आदमी ला कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे वॉइस है जिन कॉमन वॉइस होते वो सबसे ज़्यादा चलते, अब कुछ अलग ढंग के वॉइस हो गए तो वो अलग ढंग के गाय गीत में वो ज़्यादा मतलब आदमी मन पसंद करते हैं। जैसे कैलाश खेर जी, अब वो खर वॉइस अलग है, अब वही चीज़ आप देखो कि रफ़ी साहब ले लो आप, मुकेश साहब ले लो आप, ये मन के जिन वॉइस रीस है बड़े कॉमन आदमी के वॉइस रीस है, हर आदमी कोशिश कर ही ना तो वैसे टाइप की आवाज़ निकाल लेते वो मन कि रफ़ी साहब के गवैया वो गीत के गवैया मन अतका मिल है आपला मतलब आप जहाँ गली गली में किशोर कुमार जी लगाते हैं ये लगाते हैं मन, तो वो एक कॉमन वॉइस है जिन हर आदमी रिलेट कर जाते कि मैं हूँ गाहूँ तो ऐसने चावा जाए, तो वही चीज़ आपके हीरो के साथ भी रहते कि भाई जब हीरो जब गाही तो कैसे खुला वॉइस चाहिए आपला कि खुल करके लगे और पूरा मतलब टाकीज में जब आदमी बैठे तो पूरा भी आ जाओ। सर जैसे कि एक चीज़ मैं अभी मतलब देखा रहूँ खुद भी कि एक फिल्म जब बनते पूरा उम्मीद रहते कि हमारा पिक्चर हिट होए या सारा चीज़ जैसे एक मतलब एक बात आ रही से सामने निकल के एक जन तोर बारे में तको कह रही से मीर अली सर है कि मनोज वर्मा जो एक ऐसे हरे जो अपन पूरा स्टूडियो ला तको गिरवी रख के वो अपन पिक्चर पर समर्पित रही से, तो ऐसे जो कलाकार मन आते तेकर मन पर का आप मन कहना चाहो कि वो कोई पिक्चर ला शूट करे चाहे वो पिक्चर में काम करे का ऊपर में योग्यता होना चाहिए। देखो पहले तो मैं ये बात बताऊँ कि ये जिन चर्चा होते कि ये फलाना गिरवी कर दे ये कर दे, तो ये कोई भी आप बिजनेस करो कोई भी बिजनेस करो जेमा आपले पैसा लगाना है तो अगर बाजार से पैसा आपला उठाना है या आपसे बैंक से लोन लेना है तो प्रॉपर्टी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलते हैं, तो वो कोई बहुत बड़े बात नहीं है कि गिरवी रख दे मतलब ख़त्म हो गया आदमी ऐसे वाले नहीं रहा है भाई, गिरवी रखते तब तभी वो दिखी सामने वाला जब देखी कि अगर पेइंग कैपेसिटी है, तो वो एक जिद है। दूसरा बात कि मोला ऐसे लगी कि ये पिक्चर जेन है ये पब्लिक के बीच में आना ही चाहिए, जेन ढंग के पिक्चर मतलब जो हमन सुन सुन के हमन ताना सुन सुन के परेशान हो गए रहन ये मन वही बम्बैया टाइप की पिक्चर बनाते हैं यार, वही हीरो हीरोइन वही नाचा गाना वही साले तमाशा, कुछ दूसरा मन के पास है नहीं का कोई कंटेंट बेस्ड पिक्चर नहीं बनाएगा, कान पक गए रही। तो बाहर भी गए हूँ मैं, गोवा भी गया हूँ, वहाँ पे भी सब यही सब बात हुई इसके आप मन पिक्चर बना थो वहीं ख़त्म हो जाते, बाहर नहीं लाओ फेस्टिवल में नहीं भेजो का, तो मोर दिमाग में रही इसके कुछ अलग ढंग के पिक्चर बनाओ, तब ये फिल्म के निर्माण हाँ बस सोचे रहे हूँ और सोचे हूँ कि नहीं अबेला कैसनो करके करना है। तो जतका अवैया पीढ़ी है मोर ये कहना है कि भाई आप पहले फोकस बनाओ कि आप ला कहाँ जाना है और वो फोकस ला पाए बर जो कर सकत हो वो करो सही रूप में कि आप ला वो वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। आदमी क्या होता है कि करत करत कर कर अरे छोड़ यार बहुत टाइम लगा था छोड़ हटा दूसर कुछ कर लेता, लेकिन वो फिर ना आप डेविएट हो गए कहीं कि भाई अब ये करत करत नहीं छोड़ यार हटा ओला कर लेता हूँ ओला कर लेता हूँ, तो आप कभी स्टेबल नहीं हो पाओ। सर जैसे कि अभी के कलाकार मन पर ये रीसे कि जैसे कोनो अभी जितना भी आते सब बोला हीरो बनना है सब बोला हीरोइन बनना है, तुहर नज़रिया से का लगते कि कितना ज़रूरी है थिएटर है कितना ज़रूरी है थिएटर से काम सीख के आए पर है? नहीं थिएटर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, देखो एक्टिंग जेन है ना ओकर शुरुआत वहीं से होते एक्टिंग से, चाहे आप रामलीला करो चाहे आप कुछ करो लेकिन स्टेज पर खड़े होना अतका आदमी ला फेस करना डायलॉग बोलना अपन बात ला रखना ये बहुत बड़े बात है। आदमी जब स्टेज पे जाके खड़े होते हैं ना जब देखते कि हजार आदमी सामने में बैठे हैं तो बोलती बंद हो जाती तो एक्टर ला चाहिए कि वो जब कैरेक्टर में घुसे है, अगर मैं मनोज वर्मा हूँ मैं राम के कैरेक्टर करत हूँ तो मैं राम हूँ वहाँ, मनोज वर्मा भूल जाना है आपला,
तो ये जब आप सीखेल शुरू करथो थिएटर में, कहे के मतलब जब आप स्टेज में रहो तो आपके 50 फीट दूर में दर्शक बैठे हुए हैं, तो बोला बताना है आप गुस्सा हो तो आप ऐसे से करो, लेकिन जब कैमरा आपके पास में है तो आप लगभग खाली आँख ही आप दिखा दो समझ में आ जाए कि आदमी गुस्सा है, बस वत कही है। लेकिन मोला ऐसे लगते कि थिएटर जेन करते ओ मन बर और आसान हो जाते एक्टिंग। सर अभी हमार जितना भी छत्तीसगढ़ी पिक्चर के बात करन, चाहे हमन हिंदी पिक्चर के बात करन, बहुत सारे पिक्चर में ऐसे होते कि डबल मीनिंग के सवाल ज़्यादा होते, कई ठन ऐसे मतलब हंसाए बर हमन ओकर उपयोग करथन, तुहा नज़रिया से कितना ज़रूरी है इसने शब्द मन के प्रयोग करना? मोला नहीं लगते कि एकर कोई ज़रूरत है, बहुत से ऐसे बात है जेमा आप हंस सकत हो हंसा सकत हो, ओकर बर डबल मीनिंग यूज़ करना मोला नहीं लगेगा, ओकर ले अच्छा सीधा सीधा बोल दो जेला बोलना है, वो कोई मतलब नहीं है, हंसाए पर कुछ भी चीज़ करे के मतलब नहीं लगते मुझे। और सर अभी जैसे हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म पर सबसे बड़ी दिक्कत ये रहा है कि हमार पिक्चर ला कोनो हायर नहीं करे, जैसे बड़े शहर में जाथन, तुहार लिए का चुनौती रही से जब तुहन हाँ बाहर में ये पिक्चर ला लेके गए हो, का स्थिति रही से मतलब लिखवाए बर हो चाहे डायरेक्शन बर हो चाहे बाहर लेके गए, मतलब नहीं समझ, जैसे अपन मुंबई लेके जाथन कि हाँ डायरेक्शन मतलब अगर लॉन्च करना है बड़े जगह, मतलब बनाए बर प्रोड्यूसर देखे बर बोला तो वैसे होते कि देखो वो मन ना बिजनेसमैन है, वो मन आर्टिस्ट नहीं है, जत का प्रोड्यूसर है वो आर्टिस्ट नहीं होते, वो मनला ये सब समझ में नहीं आया कि माँ कौन सा राग के प्रयोग करे गए है गाने में और कौन का एक्टिंग करे है, कहाँ एंगल लगाए हंस क्या करे, वो उससे कोई लेना देना नहीं, वो देखते कि माँ हीरो हीरोइन कौन रही, हीरो हीरोइन है तो कुछ भी कहानी देते हाँ ले खरीद लेता हूँ, ओला दिखते कि बेचना कैसे है जी। वो खाली वही चीज़ ला देखते हैं मन। अब जैसे मनोज वर्मा ला मुंबई में कोई नहीं जाना तरी से कि भाई ये अब मैं जब पहुँचे वहाँ पे स्क्रिप्ट ला दिखाएँ ये करें, तो बोले आप स्क्रिप्ट हमन ला दे दो हमन ला कर ले वो, मैं बोला मैं नहीं दे सकूँ भैया मैं खुद ही करूँगा, तो वहाँ पे ये हो जाते कि आप जब प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूसर ढूंढत रही थो जी। वो टाइम पे आप ला ये दिखाना चाहिए कि भाई एकर मार्केटिंग कैसे हो सकत है, आप सबसे ज़्यादा पैसा ये फिल्म से कैसे कमा सकत हो, जब आप वो चीज़ से कन्विंस कर लूँ सामने वाले ला तो वो फिर आप ला वो चाहे हिंदी हो चाहे छत्तीसगढ़ी हो चाहे बांग्ला हो कहीं पैसा लगा दिए, वो मन बिजनेसमैन है। सर जैसे कि एक बात आ रही से कि जयप्रकाश सर है ये बात करी से अपन एक ठन कुछ पंक्ति में लिखे रही से हाँ कि जो तुम्हार लाइन है बुलंद मेज ला ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, और सच में वो बात हो पर सच वैसे राष्ट्रीय स्तर महिला सम्मान मिली से कैसे आज लगते हो मतलब सम्मान ला ले? नहीं मोला तो बहुत दुख हुआ था कि आज जॉक्सी जी हमारे बीच में नहीं है, मैं लिखे भी रही हूँ इला फेसबुक में कि आज चौकसी जी होते तो ये बात पे गर्व करती इसकी भाई फिल्म ला नेशनल अवार्ड मिले हैं, तो वो अपन घर में पिक्चर ला देखे रही, मैं बोला घर में बैठार के दिखा रहे हूँ पिक्चर में, बोला सर आप ये पिक्चर ला देखो काबर कि वो जिस समय पक्षी जी हा उपन्यास लिखे रही ना, उपन्यास पढ़े के बाद से उकर मन में ये रहीस कि एकर ऊपर पिक्चर बनना चाहिए, और जब पिक्चर बनी तो वो एकदम खुश हो गए पिक्चर ला देख के, तुरंत बोली बोला कि बख्शी जी फ़ोन लगाओ, बख्शी जी फ़ोन लगाया, मैं बोला समझ में नहीं आया पता नहीं क्या बोली करके, पिक्चर देखे एक बात ओकर कोई रिएक्शन नहीं रही सीधा फ़ोन लगाओ बोली, तो मैं फ़ोन लगाया तो बख्शी जी बोले अरे बहुत कमाल के काम करे लड़का, बहुत ज़बरदस्त पिक्चर बनाए हैं और ये वो करके वो बहुत तारीफ करी, मैं बोला सर आप मैं एक बारे में लिखूँ यार अखबार में ऐसे बोली, बोला जी ज़रूर लिखिए सर और एक बाइट भी आप दीजिए, तो बाइट दिस मोला उमा भी बोली इसकी मोर बस 36वें पिक्चर ला ऑस्कर भेजते हैं ऐसे कर, तो अच्छे चीज़ के सब कदर करते हैं, मोला ऐसे लगी कि हाँ भाई ठीक है चलो छत्तीसगढ़ के बाहर के एक आदमी जो राष्ट्रीय स्तर के समीक्षा करे अगर ओला पिक्चर अच्छा लगा था मतलब कुछ ठीक ठाक बन गए। सर भूलन द मेज ला लेके एक ठन किस्सा हो रही से कि कोलकाता में आप मन केवल प्रदर्शित करे रहो मतलब वह ला और तुम सम्मान मिली से वो मतलब वो हिस्सा का रही सो मैं का रही सवे का? नहीं वो क्या है जब मैं मुंबई में रहूँ एक पोस्ट प्रोडक्शन करत रहे हूँ वही टाइम पे मुला एक खबर मिली कि नेज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में हुआ थे वहाँ आपके पिक्चर ला उमन चाहते हैं कि यहाँ पे प्रदर्शन करा जाएगा जी। मैं बोले खाली प्रदर्शन है कि कंपटीशन है? बोले नहीं अभी कंपटीशन पर तो हमन लेट हो गए हैं तो ये प्रदर्शन बस वही, मैं बोलो ठीक है करवा लो, तो मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ। फिर हमन गेंद वहाँ जिस दिन पहुँचे तो वहाँ पे भी बड़ा मतलब छत्तीसगढ़िया आदमी एकदम ऐसे देखे बेचारा निरीह प्राणी टाइप के दिखे, हाँ कहाँ ले आए हो यार का पिक्चर है छत्तीसगढ़ ही है? अच्छा अच्छा ऐसे कहें
अब सब बंगाली आदमी मन रही, वहाँ सब आर्ट आर्टिस्ट हो, ये वो बड़े बड़े। अब जो पिक्चर चालू हुई तो पिन ड्रॉप साइलेंस, जत का आदमी बैठे रहे एकदम, वो जिन फेस्टिवल के डायरेक्टर इस मोर बाजूज में बैठे रहे, तो वो मोर से पूछे आप डायरेक्ट कर रहे हैं इसको? मैं बोला जी सर। फिर उखर बाद पूरा पिक्चर देखे और सीधा कूद के ऊपर घिसवा मंच पे। मंच पे जाए के बाद में वो बहुत मतलब कह के बोली इसकी मोर दो तीन पिक्चर जिन है कांस के है, और मैं सत्यजीत रे के लैंड से आता हूँ, और यहाँ हम छत्तीसगढ़ी हम मतलब बांग्ला पिक्चर, और ये मुला अगर कोई बोली कि जीवन के सबसे 10 श्रेष्ठ फिल्म कौन से हो सकते हैं, तो वो मैं एक भूलन रही है ऐसे केस। और बोली इसकी मैं कांस वांस भेजे के बाद में, अब मुला ऐसे लगते हैं कि मुला 2-4 साल काम लब बंद करके मनोज जी से सीखना चाहिए। मैं बोले भैया ज़्यादा हुआ थे थोड़ा। लेकिन फिर ओकर बाद वो घोषणा करी कि आप थोड़ा रुक के जाओ, आज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में वो मतलब पहले ही सबसे पहला नाम हमारा बुला करके वो शोकेस वर्ल्ड शोकेस अवार्ड वो टाइम पे दी। सर भूलन दा मेजला अब तक कितना सम्मान मिल चुका है आपके हिसाब से? 10 और ये 11वां ये है आपके नेशनल अवार्ड। हमारे भाखा लता को इज्जत नहीं मिला तरी से, लेकिन आज एक ऐसे स्थिति है जब हमारे ये पिक्चर की वजह से छत्तीसगढ़ी भाखाला सब देखे पर पसंद करते हैं, सब यही करते आप मतलब कैसे रखे पिक्चर बनाएंगे? मुला वैसे लगते कि सपना साकार हुआ थे, खबर कि जिन सपना में देखे रहे हूँ कि भाई हाँ छत्तीसगढ़ी फिल्म जिन लब आदमी बाहर जानत नहीं रहे कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री भी है, आज वो आदमी मन तारीफ करत थकत नहीं है कि भैया छत्तीसगढ़ के एक पिक्चर बने हैं जिन फलाना है जिनका, तो वो ला सुन करके बहुत अच्छा लगता है। और मुला ऐसे लगते कि हाँ और बेहतर पिक्चर ऐसे बना करके अब जत का यूथ आवत है, अभी नया जत का है, तो मुला ऐसे लगते कि उमन नया कंटेंट बेस्ड फिल्म बनाही उमन और बाहर तक जाही वो। सर अभी के जो पिक्चर मन बनते थे माँ राजनीति है तको जरूरी हो गई, मतलब बहुत मतलब बॉलीवुड पिक्चर के बात कर रहा हूँ, साउथ के पिक्चर के बात कर रहा हूँ, तो वहाँ लगा अलग थे एक ज़रूरत है कि वैसी मतलब बिना होकर भी पिक्चर अच्छा बन सके? देखो क्या होते जब किसी चीज़ के राजनीतिकरण होते ना तो आर्ट ख़त्म हो जाते। अब आप सिर्फ यही बात ला सपोर्ट करत हो कि ये पिक्चर जिन है ये हिंदू भर बने हैं तो इला सपोर्ट करो, ये मुस्लिम भर बने हैं तो इला नहीं करो, तो जिन चीज़ आप रखना चाहते हो वो चीज़ आप नहीं रख सको, बहुत सारे चीज़ ऐसे हो जाते। तो मुला ऐसे लगते कि किसी भी चीज़ के आर्ट के कम से कम, बाकी चीज़ में मैं नहीं जानूँ लेकिन आर्ट में कम से कम राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, कहीं से भी बीजेपी या कांग्रेस नहीं होना चाहिए, भाई आर्ट आर्ट है। सर संगीत की मैं अगर बात कर रहा हूँ, जैसे भूलन दा मेज में इतना सारा गीत हवे लोकगीत तको हवे उमा, तुहन ला कौन से गीत अच्छा लगी से जिला तुहन गाय के पीछे कोई ऐसी कहानी जो तुम्हारे साथ हुई सोही? गाय पर तो मैं तो मतलब बता चुके हूँ कई बार इंटरव्यू में कि मैं चाहत रहे हूँ कि ये जिन मीर साहब के जिन नंदाजाही है नंदाजाही ला मैं मीर साहब से ही गवाना चाहत रहे हूँ, काबर कि वो जत का सुंदर गाथे ना उला कोई नहीं गा सके, वो जिया थे वो गीत ला, वो स्वच्छंद गाथे वो मतलब उमा कोई लाग लपेट नहीं, कोई ताल की जरूरत नहीं, कोई सुर की जरूरत नहीं, अपने हिसाब से गाते, वो सुरीला है वो, ऐसे नहीं है कि सुर में नहीं है, लेकिन जब वो स्केल के बात आते हैं ना तो वो स्केल में कहीं ऊपर नीचे हो जाए, कभी ताल में इतनी होती हो, तो अब वो ट्रैक बन गए रही से तो हमन बहुत ज़्यादा छेड़खानी भी नहीं कर पाए बात रहनों में, तब वो बहुत कोशिश करें ले जब मीर साहब बोले इसके यार यार बहुत ऊपर नीचे हुआ थे, मैं बोले चलो स्केल थोड़ा नीचे कर लेते हैं, स्केल नीचे करके कोशिश करें, दो तीन दिन हमन मैं और मदन गुरु जी मदन चौहान जी हमन दोनों जानी बहुत कोशिश करें, वो मीर साहब भी बहुत कोशिश करें बेचारा, लेकिन वो कहीं ना कहीं जा करके वो तकलीफ होत रही से, और फिल्म के हिसाब से मुला ऐसा लगा रही से कि बंध के गाना पड़ा थे ओला, जे जेन वो मंच में गाते ना तो अपन हिसाब से बिल्कुल खुल के गाते वो बहुत आनंद आते। तो मैं बोले हूँ कि सर मैं काम करता हूँ, बोला शूटिंग में जाना है तो मैं डमी गा देता हूँ अभी और जाके शूट कर लूँ बाद में देख वो फिर, तो गा पड़े हूँ मैं, और गा के जब वहाँ गए ना हमन वहाँ शूट करते रहे शूटिंग के टाइम पर गाँव वाले पूरे नाचे हूँ मैं, वो कलकत्ता से जत का टीम आई रही थी उमन नाचे रात में लगा के, तो मैं ऐसे बोले मैं बोला यार ये काकर आवाज़ भी है ऐसे कहे, तो मैं बोले आवाज़ इसने डमी है भाई, बोला चेंज करने वाला हूँ, अरे मत कर भी भैया चेंज, बहुत बढ़िया आवाज़ है अलग ढंग के लगा थे ऐसे वैसे, अब उमन मीर साहब के ला नहीं सुने हुए हैं वो टाइम, तो मैं बोले यार ठीक लगा थे, तो बोले काकर आवाज़ है भैया, मैं बोला पहले बता ठीक लगे थे कि बोले बहुत बढ़िया लगा था, तो मतलब बढ़िया लगा था तो फिर मोर आवाज़ है।
ये ऐसे ढंग के हुई रिसे तो सर वही गाना एक बार आप मन भी गा देते ताकि हमारे दर्शक तक को सुन लेती सो गाना दा हे नंदा जाही करे नंदा जाही करे नंदा जाही का कमरा यो खुमरी अरे तो तारी रा 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 ता ता छो रच रच मच मच गेड़ी मचैया गांव गली मा पड़की नचैया मांदर के थाप मारा हस रचाए पंथी के धुनला गाए बजाए गांव के लीला चाउर के चीला मेला मड़ई मा ढेलवा झुलैया नंदा जाही का कमरा यो खुमरी अरे तो तारी रा 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 ता ता छो सर गाना सच में एक अलग ही आवाज़ है तुम्हारे गाना में तक जान आगे से सर एक और बात रही से कि हमारे जो युवा कलाकार मना थे तेकर पर हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश जो उकर करियर में काम आवे उकर आने वाले समय में मतलब मदद मिल सके जो आप मन देवा ये क्षेत्र में जो काम करना चाहते कर पर मुला ऐसे लगते कि भाई जतका भी युवा पीढ़ी हमारे यहाँ काम करत है या आना चाहते हैं माँ तो सबसे पहली बात मैं पहले भी बोल चुके हूँ कि सीख के आओ कंटेंट पे जब आप काम करत हो कोई तो कंटेंट के ऊपर रिसर्च बहुत करो काबर कि जत का रिसर्च हो ही जत का उला आप खंगार हो ना उतका बढ़िया मक्खन निकल ही तो स्क्रीन प्ले जिन थे आपके वो जान है पिक्चर के स्क्रिप्ट जान है आपके पिक्चर के बाकी सब चीज़ पीछे तो स्क्रिप्ट पे बहुत मेहनत करो इतनी टाइट और अतका बढ़िया होमवर्क आपके इतना तगड़ा रहा है कि जब आप शूट पे जाओ तो सब चीज़ आसान रहे जैसे कि आप सबो जन हाँ मनोज वर्मा जी ला सुने हो कि उकर साफ तौर में यही कहना है कि जितना जन युवा कलाकार जो आत है ते मला सबसे जरूरी बात यही है कि जो कंटेंट ला उमर ला थे तेला मही जैसे खंगाल डलाए ताकि मक्खन उमर से जरूर निकले ता आज बार यही आए वाला समय में हमन आप मला और नवा कलाकार से और अलग कलाकार अलग हस्ती से आप मला मिलाबो तब तक बार जय जोहार।